नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा परासिया में कोई भी बुजुर्ग परासिया की रोड पर नहीं सोएगा, सौरभ ताराचंद बावरिया ने कहा। प्रशांत शेलके ने व्हाट्सएप पर पोस्ट डाली कि एक महिला बुजुर्ग परासिया के सरकारी अस्पताल में एडमिट है और उसके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, वृद्धाश्रम पहुँचना चाहिए। मैंने उन्हें अस्पताल पहुँच कर संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर एम्बुलेंस व्यवस्था की और छिंदवाड़ा के वृद्धाश्रम उन्हें पहुँचाया। विगत दिनों हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने सभी से आह्वान किया कि कोई भी बच्चा भीख ना मांगते दिखे, ये बच्चे और बूढ़े हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। इसी से प्रेरणा लेकर हम सभी परासिया में इस नवाचार की शुरुआत करें। परासिया के पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया के पुत्र हैं, वे सहारा के सहारा बन रहे हैं। सौरभ ताराचंद बावरिया ऐसे समाज सेवी व जनहित कार्य निरंतर कर रहे हैं। परासी संवाददाता जगदीश पाल की रिपोर्ट। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी में लगी कि एक वृद्ध महिला परासिया सरकारी अस्पताल में थी, दो दिन से एडमिट, उसके रहने खाने की व्यवस्था नहीं थी। तो फिर मैंने तत्काल अस्पताल पहुंच के बीएमओ मैडम से बातचीत करके एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई और छिंदवाड़ा वृद्ध आश्रम में बातचीत करके उस वृद्ध महिला को मैंने वहाँ वृद्ध आश्रम छिंदवाड़ा पहुँचाया। जैसा कि पूर्व में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक नवाचार की शुरुआत की, उनका एक आह्वान है कि प्रशासन की तो जिम्मेदारी है ही कि कोई शहर में अगर बच्चा भीख मांग रहा है, कोई वृद्ध महिला वृद्ध पुरुष अगर रोड पर सो रही हैं तो प्रशासन इसकी जिम्मेदारी ले। साथ में उन्होंने आह्वान किया है कि आम जनता और सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर इसमें काम करना चाहिए। तो इस नवाचार की शुरुआत आज परासिया से हम सभी लोगों ने मिलकर की है। मेरा भी आपसे आग्रह है कि इस प्रकार से नवाचार में आप जुड़ें और कोई भी ऐसा बच्चा बुजुर्ग महिला अगर रोड पर सो रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, तो हम सभी लोग मिलकर काम करें। धन्यवाद।